ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री फिरहाद हाकिम ने जब कोलकाता के गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान घोषित किया था तब पूरे देश में हंगामा मच गया था। वहीं दिल्ली में जब राजधानी दिल्ली में दंगे हुए थे तो जिन इलाकों की चर्चा मीडिया में आई वो भी तो मिनी पाकिस्तान ही बताया गया, और ऐसे कई मिनी पाकिस्तान की भारत में चर्चा हो रही है, याद रखिए, और ये रिपोर्ट में भी दिखाई पड़ता है। लेकिन अब ऐसा हाल हो गया है कि देश के कई राज्य मिनी पाकिस्तान बनने की ओर चल पड़े हैं। आज इस वीडियो में मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको साक्षात से सामना कराऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बड़वाल। आज मैं आपके सामने जनसंख्या विस्फोट से होने वाली समस्याओं के बारे में बात करूंगा। एक ऐसी खबरें जो आपके सामने आती तो हैं, जिन्हें आप पढ़ते भी हैं, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाता, मतलब आप उसे बिल्कुल स्कैन करके पलट देते हैं। अब मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं, ये खबर देखिए, ये झारखंड की खबर है। यहां सरकारी स्कूलों में जिनकी संख्या 100 के करीब है, सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर अचानक से साप्ताहिक छुट्टी रविवार से बदल कर शुक्रवार कर दी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि शुक्रवार को नमाज का दिन होता है, जुमे का दिन होता है, और यहां पर यह सब कुछ सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए सरकार की नाक के नीचे किया गया। अब क्यों किया गया ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम समाज की आबादी है, वो 70% है, और उनको चूंकि जुमे की छुट्टी चाहिए, उनको रविवार की छुट्टी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने सरकारी नियमों को बिल्कुल तार तार करते हुए सारे नियम कानून ही बदल दिए हैं। अब मैं आपको एक दूसरी खबर दिखाता हूं, इसी 70% आबादी वाले जामताड़ा, ये दुनिया में साइबर अपराधों के लिए एक कुख्यात जगह बन गया है, हब बन गया है, और जो आपके एटीएम कार्ड से, पेटीएम कार्ड से, या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जिन चीज़ों से, पैन कार्ड को लेकर के जो भी फ्रॉड होता है ना, उसमें अधिकांश मामले इसी जामताड़ा से जुड़े हुए हैं। तो ये है जामताड़ा की कहानी। अब जामताड़ा की साइबर क्राइम की कहानी, या फिर स्कूल कॉलेजेस में, खास करके स्कूल की बात मैंने अभी आपको दिखाई, नियम कानून को ठेंगा दिखाते हुए जो साप्ताहिक छुट्टी बदलने का मामला है, वो ऐसा नहीं होगा कि सरकार को पता नहीं होगा, लेकिन जब ये खबर मीडिया में आई तब झारखंड सरकार को होश आया। कांग्रेस सरकार ने प्रतिक्रिया दी, कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार है, और उसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ साप्ताहिक छुट्टी बदलने की नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे इन लोगों ने, भैया बच्चे हैं, साप्ताहिक छुट्टी बदल ली तो क्या हो गया, बात इससे आगे बढ़ गई है, अब बात संस्कृति को बदलने की हो गई है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, ये भी झारखंड की खबर है, गढ़वा की। यहां पर संस्कृति को बदलने का काम चल रहा है, जहां मुस्लिम समाज की आबादी 70% हो गई है। आप हेडर देखिए, यहाँ 75% मुस्लिम, इसलिए स्कूल में क्या प्रार्थना होगी हम तय करेंगे, बच्चे हाथ भी नहीं जोड़ेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि अब जो प्रार्थना होगी वो हमारी मर्जी से होगी, जो बच्चे हाथ जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे ये भी हम ही तय करेंगे। तो छुट्टी के बाद अब आप देखिए कि किस प्रकार से संस्कृति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और अब मैं आपको एक और लेवल आगे लेके चलता हूँ, कि बात सिर्फ संस्कृति को बदलने की खबरें ही नहीं रह गई हैं, अब मैं आपको दूसरे लेवल पर लेकर के चल रहा हूं। अब तो झारखंड के हर जिले में इस्लामिक अदालतें स्थापित की जा रही हैं, खबर बड़े ध्यान से देखिएगा, यानी दारुल कजा खोले जा रहे हैं। यहां पर शरिया कानून के तहत पारिवारिक झगड़े, शादी ब्याह, जमीन की लड़ाई, जो भी चीजें होंगी ना, वो सारे सुलझाए जाएंगे। मतलब यहां पर अब संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं एक पुरानी रिपोर्ट दिखा रहा हूं, आप देखिए, झारखंड के सभी जिलों में खुलेगा दारुल कजा, मुस्लिम समाज के पारिवारिक, जमीन जायदाद व तलाक के विवाद को शरिया कानून के तहत सुलझाया जाएगा।
अब झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है ये समझिए, क्योंकि आबादी बढ़ रही है और आबादी के जो बढ़ने का दबाव है वो कांग्रेस की सरकार पर है, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए। तो कांग्रेस की ये सरकार जो हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस चला रही है वो फिर एक लेवल और आगे बढ़ गई। अब उसने क्या किया ये देखिए, उसने मुस्लिम विधायकों के लिए विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग जगह ही अलॉट कर दिया है। मतलब इस जो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देती है ना कांग्रेस, उसका डबल स्टैंडर्ड ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप रिपोर्ट देख लीजिए। इस पर काफ़ी बवाल हुआ लेकिन ख़त्म हो गया। और मैं आपको जो शुरू में कहा था ना, बहुत सारी खबरें जो छन छन के आती हैं हम देखते हैं फिर वो ख़त्म हो जाती हैं लेकिन उसका फॉलोअप नहीं मिलता, लेकिन तब तक स्थितियाँ बदल चुकी होती हैं। और इस पर जब आपने नमाज के लिए अलग जगह दी तो बहुसंख्यक समाज ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन स्पीकर ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। यानी यहाँ बहुमत का फॉर्मूला नहीं चलता, यहाँ धर्म का फॉर्मूला चलता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि कुछ शहर जहाँ बोल रहे हैं 70% आबादी है जी, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आबादी का कोई मतलब नहीं है। और विधानसभा में 70% आबादी की जो मांग है वो खारिज कर दी गई। ये तो केवल झारखंड की बात हुई। अब मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसे सुनकर आप अचरज में पड़ जाएंगे। यह है लुलु मॉल, जिसे एक मुस्लिम ने बनवाया है और यहाँ पर ये अपना हक समझकर मॉल के भीतर सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने लगे। जैसे ही ये खबरें आई तो बवाल मच गया। अब तो भला हो योगी जी का कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई कर दी है और इसके बाद मॉल का जो प्रबंधन है ना वो कह रहा है कि ये जो नमाजी थे वो अपने नहीं थे, वो बाहर के थे। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये कोई दूसरा राज्य होता, लुलु मॉल कुछ दूसरे राज्य में होता, वहाँ के सरकार होती, तब परिस्थितियाँ अलग होती। ये मॉल का जो प्रबंधन समिति है ना, जो वहाँ के लोग मैनेजमेंट है, वो ये नहीं कहते, वो कुछ और कहते, ये समझ लीजिए। और इसीलिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, आज जब देश में एक वर्ग विशेष अपनी बढ़ती हुई आबादी को लेकर के अपना जो सांस्कृतिक है उसको स्थापित करने की फिराक में है, कोशिश कर रहा है, और उस कोशिश को उस समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, वो उसी को समर्थन देते हैं, तो इन परिस्थितियों में अब मैं आपको ये जो खबर दिखा रहा हूं ना, ये एक चेतावनी है। इस खबर को बड़े ध्यान से देख लीजिए। इनसे जुड़ा एक संगठन है PFI, और PFI किस प्रकार से भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है वो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसका हेडर क्या है, PFI का मिशन 2047, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश, PM मोदी पर निशाना हुआ भांडाफोड़। और आप ये जानकर दोस्तों हैरत में होंगे कि जनसंख्या जो इनकी रणनीति है वो जनसंख्या की गणित के हिसाब से बिल्कुल सटीक, क्योंकि जो मैंने रिपोर्ट देखी है 2050 तक भारत में मुसलमानों की संख्या विश्व में सबसे अधिक हो जाएगी। ये है गणित और इसी गणित के हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और जनसंख्या की यही रफ्तार रही तो अगले कुछ वर्षों में आप रिपोर्ट को देख करके भी समझ जाएंगे कि इस भारत भूमि से सनातन धर्म का लोप होना बिल्कुल निश्चित है, कोई नहीं बचा सकता। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, फिर तो वो बदलाव कोई नहीं रोक सकता। और यही वो चुनौती है जिसे प्रधानमंत्री मोदी भी देख रहे हैं। आपके मन में तो ये सवाल उठेगा ना कि जब सारी चीज़ें चल रही हैं और भाजपा को वोट ही दे दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो फ़ायदा क्या हुआ। तो इन परिस्थितियों को प्रधानमंत्री मोदी समझ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने 2019 में जब दोबारा चुनाव जीते तो उन्होंने जो पहला भाषण दिया था लाल किले के मंच से, तो इसी जनसंख्या विस्फोट को मुद्दा उठाया था। आप खुद सुनिए उनके भाषण का एक छोटा सा हिस्सा। हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है।
इस चुनौती को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी समझती है, योगी जी भी समझते हैं, और तभी तो उन्होंने खुलकर इस मुद्दे को उठाया है। आप रिपोर्ट देखिए, यूपी एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ने से फैलेगी अराजकता, बढ़ती आबादी पर बोले सीएम योगी। और अब सिर्फ ये मुद्दा भर नहीं रह गया है बल्कि आगे बढ़ गया है, जल्द ही सरकारी नीति का एक बड़ा हिस्सा ये बनने जा रहा है। रणनीति तैयार हो गई है, नीति भी तैयार हो गई है, और वो सरकारी जो नीति है उसका एक हिस्सा ये चीज़ें बनने जा रही हैं। अब जब सरकार इस मोर्चे पर सक्रिय हो गई है, वो उसने विजन बनाना शुरू कर दिया है, तो ओवैसी जैसे लोग भी चुप तो रहेंगे नहीं, या बाकी लोग जो 2047 तक की योजना बना रहे हैं वो भी तो कुछ करेंगे ना। लेकिन ओवैसी जैसे लोग दो बच्चों की नीति का विरोध करने के लिए जो तर्क निकाल रहे हैं, वो जनसंख्या की गणित के तर्क से, जनसंख्या की गणित के तर्क से बिल्कुल ही मेल नहीं खाता है। क्योंकि उनके जो तर्क हैं, आप तो वैसे तमाम मुद्दों में, राम मंदिर से लेकर के जितने भी मुद्दे होते हैं, उनके तर्क जो होते हैं वो सुनकर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन अदालत वो नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि ये तर्क चलने वाला नहीं है, वो गलत तर्क दे रहे हैं। इसी वजह से वो अदालत में कुछ और बाहर कुछ और कहते हैं। अब जनसंख्या के गणित को झूठा बताने के लिए लेफ्ट लिबरल गैंग पूरे मनयोग से जुटा हुआ है और आंकड़ों को आंखों के सामने हेरा फेरी करके पेश कर रहा है। मैं आपको सिर्फ झलक दे रहा हूं, अगर इसकी डिटेलिंग में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट ये समझ लीजिए कि सरकार नियम कानून ना बना सके इसके लिए नए नए तर्क गढ़े जा रहे हैं, नए नए, जैसे कहते ना कि एक तथ्य को आधा पेश किया जा रहा है, झूठ बनाकर पेश किया जाता है, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। जाहिर है ऐसे में राष्ट्रवाद या फिर सनातन संस्कृति की रक्षा, वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा, जितने भी मुद्दे हैं, और एक तरफ एक ही प्रकार के लोग होंगे और दूसरी तरफ दूसरी प्रकार के लोग होंगे। जो इसको डिफेंड करेंगे वो हर मुद्दे को डिफेंड करेंगे, जो इधर विरोध करेंगे वो हर तरह से विरोध करेंगे। अब विरोध करने वालों को यह भी नहीं पता कि राष्ट्रवाद क्या है, मोदी भक्ति क्या है, देश के लिए कहना क्या है, उनको सब एक ही चीज लगता है, मोदी विरोध मतलब देश का विरोध, ये लगने लगता है। अब इन परिस्थितियों में आपको फिर मैं एक प्रधानमंत्री मोदी का बयान दिखाता हूं। साल 2019 में लाल किले में उन्होंने जब जनसंख्या की बात कर रहे थे ना, जनसंख्या विस्फोट की, तब उन्होंने ये बयान दिया था, सुनिए आप। हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं, जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। साथियों, ये घटनाएं हमें अलग अलग समय पर टुकड़ों में दिखाई तो देती हैं, लेकिन हम सिर्फ स्कैन करते हैं, हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया तब तक नहीं देते जब तक हम स्वयं उस आग में झुलस नहीं जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसी घटनाएं बेरोक टोक कभी गांव के स्तर पर, कभी तहसील के स्तर पर, कभी जिले के स्तर पर, कभी मॉल में, तो कभी राज्य के स्तर पर हमें दिखाई देती है, और जिस पर आपको गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।